नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या जो आप लोग भी इस चीज़ को झेले होंगे कि सीलिंग से पोलोथीन सीट को हटाना। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने हर कोई पूछा है सर सीलिंग में प्लास्टिक सीट सट गया है, अब उसको उखाड़ रहे हैं, वो उखर ही नहीं रहा है। तो आज उसी के बारे में आपको बताएंगे कि हाउ टू रिमूव पोलोथीन सीट फ्रॉम सीलिंग ऑफ हाउस। घर का सीलिंग में अगर प्लास्टिक सीट सट गया है, अब उसको कैसे रिमूव करना है। और जिन लोगों को पता नहीं भाई प्लास्टिक सीट वैसे सटा कैसे, जैसे कि आप लोग को ही पता है कि जब आप कंक्रीट पोरिंग करते हैं, स्टेजिंग करके सटरिंग किए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का मटेरियल जो सटरिंग मटेरियल होता है अगर ख़राब क्वालिटी का है और उस होकर के सलड़ी जो है सीमेंट सलड़ी नीचे गिरे नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्लैब के ऊपर पोलिथीन सीट बिछा देते हैं। अब पोलिथीन सीट तो बिछा तो दिए, लेकिन जब डी सटरिंग करते हैं, डी सटरिंग करने के बाद वो प्लास्टिक पोलिथीन सीट हटता ही नहीं है, अब क्या करें। तो आज उसी के बारे में आपको बताएंगे, तो उसको कैसे हटाना। पहले क्या है कि सबसे पहले है कि और कैसे हटाना और क्या नहीं करना। बहुत लोग जो है जाने अनजाने में बहुत कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि वो लोग सोचते हैं अगर प्लास्टिक पोलिथीन सीट नहीं हट रहा तो आग लगा करके पूरा को जो है जला देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी कंक्रीट को हीट नहीं करना चाहिए, मतलब गर्म नहीं करना चाहिए। तो अब आगे चलते, पहला है कि उसको हटाने क्या है बाय हैंड, मतलब कि आप उसको ले चलिए मैनुअल। अगर मैनुअल अगर आप जितना हो सके, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब कि पूरा ही नहीं पूरा हट रहा है, तो जितना पहले हो सके बाय हैंड से हाथ से उसको हटाना। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम हटाएंगे क्यों भाई, तो हटाना जरूरी है क्योंकि आप प्लास्टर तो मारेंगे। कभी भी पोलिथीन सीट के ऊपर प्लास्टर मत मारिएगा, प्लास्टर आप तो मार देंगे, फिर प्लास्टर करते समय भी बहुत दिक्कत होगी कि वो सटेगा ही नहीं प्लास्टर मोटर उसमें। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर छत पे कुछ वाइब्रेशन होगा पूरा नीचे गिर जाएगा आपका वो, क्योंकि वो कंक्रीट के साथ तो मिला है नहीं, वो तो एक पोलोथीन के साथ मिला हुआ से चिपका हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, तो बाय हैंड के द्वारा करेंगे, या नहीं तो एक आता है वायर ब्रश। एक वायर ब्रश आता है जो कि आपका कुछ इस तरह का ब्रश रहेगा और इसमें लोहा का जाल निकला रहेगा, उसके से आप जो है ऐसे ऐसे करके जो है वायर ब्रश यूज करके कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। और कोशिश कीजिए जितना हो सके और जितना आप दिमाग लगा सके उतना आप कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और हम आपको ये भी बताऊंगा, अगर नहीं निकालने का मन है ठीक है भाई सटे रहने दो उसमें, तो दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं जिससे कि मेरा घर सुंदर दिखे, तो वही मैं बताऊंगा आपको। तो वायर ब्रश हो गया, इससे बाय हैंड मैनुअल जितना कर सकते हैं वायर ब्रश। फिर एक आता है एक ग्राइंडर मशीन। अब बोलेगा भाई ग्राइंडर मशीन क्या है, ग्राइंडर मशीन आप ज़्यादातर देखते होंगे जब कभी हम लोग लोहा का जो प्लेट होता है उसको जंग छुड़ाने के लिए हम एक जो नुकीलादार वायर ब्रश के तरह की रहेगा उसमें निकला रहता है उसको हम यूज़ करते हैं, जिससे उसका जंग छूट जाए। अब उसको लेकर के आप स्लैब में लगाइए, सीलिंग में लगाइए, देखिए कैसे नहीं छूटता है। सबसे आसान है ये, उसको लेकर के आप सीलिंग में लगाइए, एकदम ये 100% आपका काम करेगा, तो जितना भी आपका पोलिथीन सीट है वो क्लियर हो जाएगा। अब एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई कि मेरा घर, आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो अपने घर में पोलिथीन सीट बिछाया था कंक्रीट कास्टिंग से, वो तो तुरंत उखर गया, वो क्यों हुआ? क्योंकि लोग क्या करता है कि हर जगह अपना पैसा बचाता है, जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मोटा पोलिथीन सीट लगाए हैं वो तो तुरंत उखर जाएगा, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में पतला पोलिथीन सीट लगा दिए हैं तो भाई वो उखरना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा पकड़िएगा उखाड़ने के लिए जितना हो रहा और फिर वो टूट जाए, मतलब कि फट जाएगा, फिर उखाड़े फिर वो सटे सटे रह जाएगा। इसलिए जब भी कभी आप स्लैब कास्टिंग में पोलिथीन सीट यूज इस्तेमाल करेंगे उसमें हमेशा थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मोटा इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कि उसको उखाड़ने में आसान हो, तुरंत उखड़ जाए, फटे नहीं, मेन वही बात है। तो एक ग्राइंडर मशीन से आपका जो है काम हो जाएगा। अब तो ये हो गया हटाने का कि इसको जो रिमूव करना है। अगर हम चाहते हैं भाई इसको
रिमूव नहीं करना, नो रिमूव, रिमूव नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉल्स सीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स सीलिंग तो आप समझते ही होंगे कि भाई जितना फॉल सीलिंग से नीचे कम से कम मिनिमम 6 इंची से 1 फिट तक कुछ एक नया फॉल्स सीलिंग कर सकते हैं एल्यूमिनियम का, और उसमें कुछ नया चीज़ जो है कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फॉल्स सीलिंग से क्या क्या बेनिफिट होगा कि आप उसमें लाइट भी कुछ अच्छा फिक्स कर सकते हैं, और डिज़ाइन भी आपका गुड लुकिंग डिज़ाइन दे सकते हैं, ये बेनिफिट होगा आपका। ठीक है, फॉल सीलिंग कर दिए, और याद रहे कि ये अगर रिमूव नहीं करते तब की मैं बात बताया, और अगर और क्या नहीं करना, डोंट डू, क्या नहीं करना भाई, कभी भी कंक्रीट को हीट मतलब कि आग नहीं लगाना। ठीक है, लोग क्या सोचता है कि भाई कि अब मेरा पोलिथीन सीट तो उखड़ नहीं रहा है, चलो कुछ क्या करता, लकड़ी में आग लगा करके उसमें जो पूरा गर्म करता है, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपका जो भी सिविल इंजीनियर हो चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर हो उससे संपर्क में आकर के उसके पूछे बिना बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर लेकिन मैं अगर बताऊं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, कंक्रीट में कभी भी आग मत लगाइए, उससे क्या होगा कि वो हीट होगा, हीट होने की वजह से जो आपका उसके अंदर जो सरिया है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या है कि कुछ उसका डिमेरिट भी हो सकता है। तो कंक्रीट में आग कभी नहीं लगाना। तो दोस्तों ये था आपका कुछ चीज़ कि कैसे रिमूव करना। आप इस चीज़ को चाहे तो अभी जा कर के खुद अगर ऐसा समस्या है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए जिस दिन अगर 10 दिन या 15 दिन के बाद डिसटरिंग हुआ तुरंत ही हटा दीजिए। नहीं तो लोग बहुत लोग क्या करता है, डिसटरिंग हो गया अब उसके बाद जो है 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना बाद बहुत लोग जो है उसको हटाना शुरू कर, उस समय तो और वो पकड़ लेता है। जितना जल्दी कीजिएगा उतना अच्छा तरह से हटेगा, जितना लेट कीजिएगा हटना उसको पोलिथीन सीट जो है हटना बहुत ही मुश्किल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन ही बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आएगा ऑल नोटिफिकेशन, उसको भी जो टिक मार दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपका दोस्त कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।